Hi friends, in this particular video, I will try to share some kind of breathing techniques which help you to reduce your stress and to elevate your energy and brain level to achieve all your objectives. This can be for any kind of students, business professional. हम देखते हैं बहुत बार हम लोग बहुत जल्दी बहुत दिन के बहुत जल्दी पार्ट में स्ट्रेस्ड आउट फील होते हैं हमारे बॉडी के पार्ट्स में बहुत बार हमारे घुटनों में बहुत बार हमारे कंधों में बहुत बार एक स्ट्रेस मतलब बहुत थकान सी महसूस होती है बहुत बार कभी कभी आप पढ़ने बैठते हैं और विद इन 15-20 मिनट्स योर माइंड फील लाइक सो हैवी सो सर इसको रिड्यूस कैसे करें तो सर इसके रिड्यूस करने का एक बिगर वर्ड अगर मैं बोलूँ तो उसको लोग मेडिटेशन कहते हैं बट मेडिटेशन इज नथिंग बट अ प्रॉपर चैनलाइजिंग ऑफ योर ब्रीदिंग When you actually, let's start with it. When you actually slow down your inhaling and exhaling process. जब आप धीरे धीरे सांस लेते हैं और उसको बहुत slowly exhale करते हैं you give more time to that oxygen to energize each and every part of your body. और जितना आप easily exhale करते हैं तो मोर CO2 जो CO2 एक प्रकार से हैजार्डियस या पॉइजनस गैस है आपकी बॉडी के लिए उसको आप प्रॉपरली एक्सहेल करते हैं तो आपकी बॉडी थोड़ी सी टॉक्सिक फ्री होना शुरू करती है एंड हाउ दिस एक्चुअली साइंटिफिकली इफेक्ट टू ईच एंड एवरी सिस्टम ऑफ योर बॉडी लेट अस अंडरस्टैंड व्हेन वी इनहेल स्लोली वी आवर बॉडी हैव मोर टाइम टू गेट दैट फ्रेश एयर टू गेट दैट ऑक्सीजन to reach to every part of your system, whether it's respiratory system, whether it's digestive system, or whether that is your heart system. जब आप oxygen लेते हैं और जब आप deep breathe in करते हैं, like आपका every blood cell तक जो oxygen जाता है, वहाँ से आपके blood cell से एक hormone release होता है, जिसको हम बोलते हैं endorphin. वो hormone सीधे आपके brain पे जाके वो एक हैप्पीनेस हार्मोन होता है तो आपकी बॉडी को मोर काइंड ऑफ हैप्पीनेस स्ट्रेस फ्री साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट्स हैं जो वो देता है सर सेकेंडली जब हम स्लोली इनहेल करते हैं एंड स्लोली एक्सहेल करते हैं तो जो नंबर ऑफ थॉट्स होते हैं दैट कम्स टू योर माइंड लेट्स से इन एवरी मिनट अप्रॉक्स 70-80 थॉट्स कम्स टू योर माइंड जब आप स्लोली इनहेल एंड एक्सहेल करते हैं तो नंबर ऑफ थॉट्स कम्स टू योर माइंड बिकम्स लेस तो सर नंबर ऑफ थॉट्स अगर लेस हो जा रहे हैं इससे क्या होता है इट मीन्स एज द नंबर ऑफ थॉट्स आर लेस योर फोकस ऑन ईच थॉट इंक्रीजेस यू इंस्टेड ऑफ रिएक्टिंग टू द थिंग्स यू स्टार्ट रिस्पॉन्डिंग टू द थिंग्स आप किसी भी चीज को सोचने के लिए जो आपके ब्रेन को टाइम मिलता है वो थोड़ा सा ज्यादा मिलता है सेकेंडली व्हेन यू इनहेल प्रॉपरली तो जो ऑक्सीजन का मेन काम होता है व्हाट वी हैव स्टडीड दैट टू ऑक्सीडाइज योर फूड व्हाट एवर वी आर एनर्जी वी आर गेटिंग इन द फॉर्म ऑफ फूड हमको जब भी थोड़ी सी एनर्जी की जरूरत होती है वी यूज टू ईट समथिंग बट डू यू थिंक दैट व्हाट एवर वी हैव ईट क्या वो पूरा ऑक्सीडाइज होके पूरा एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है द राइट आंसर इज नो आपका बहुत सारा फूड अनऑक्सीडाइज होके एक्सक्रीट हो जाता है वो आपकी बॉडी को एनर्जी दे ही नहीं पाता बिकॉज आपकी जो ब्रीदिंग टेक्निक होती है वो इतनी फास्ट होती है इट मीन्स सम वी यूज टू टेक 40-50 दैट इनहेलिंग प्रोसेस इन अ मिनट दैट शुड बी स्लो डाउन टू 20-30 अगर आप उसको काउंट पे लेते हैं मतलब आप एक मिनट के अंदर एवरेज 20-25-30 ब्रीथ लेते हैं तो फ्रॉम दैट पर्टिकुलर मिनट आप चेक करेंगे आपका माइंड आपकी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होना शुरू होती है आपकी बॉडी की जो सूदन मसल्स होती हैं वो रिलैक्स होती हैं इनडायरेक्टली वो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में भी हेल्प करती है सर डाइजेस्टिव सिस्टम में क्योंकि आपके जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वहीं से आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम चलता है नाउ व्हेन वी डीप इनहेल तो जो हमारी लंग्स होती हैं वो एक्सपांड होती है तो जो हमारे लंग्स के पार्ट एक्सपांड होते हैं तो उनकी कैपेसिटी टू एब्सॉर्ब ऑक्सीजन बिकम्स इंक्रीजेस टू बी वेरी फ्रैंक ऑक्सीजन इज द ओनली गैस जो हमारी बॉडी के सारे फंक्शंस को जो एक्चुअली सेल्स को एनर्जी पहुंचा पाती है टू ऑक्सीडाइज द फूड
सो बाय दीज टेक्निक अगर हम बात करेंगे, साइंटिफिक पार्ट हो गया, जो एंडोर्फिन हार्मोन जो कि सेरोटोनिन के समान होता है, वो बहुत बार आपको स्ट्रेस से दूर करता है, आपके अंदर एक हैप्पीनेस, एक कामनेस, एक सूदिंगनेस आपके माइंड में जाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिकम्स क्वाइट ईजियर, आपके सोचने समझने की क्षमता ईजियर हो जाती है। बहुत बार जब आपको एक ही दिन में बहुत सारा काम करना रहता है, तो जब आप डीप ब्रीथ इन एंड डीप ब्रीथ आउट करते हैं, तो आपके लिए एक रेस्ट इंटरवल होता है, वो आपकी एक प्रकार से जबकि फटीग होती है, जब आप थक जाते हैं, उसको सॉल्व करने में हेल्प करता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्रीदिंग टेक्निक। आई विल एड ऑन टू द साइकोलॉजिकल पार्ट कि जब आप ब्रीद इन करते हैं, तो आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं, जो उनके काउंट्स कम हो जाते हैं, उससे कैसे आपकी बॉडी अगेन हील होती है, कैसे आपको साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलते हैं, कैसे आपके इंटेलेक्चुअल सोचने का समझने का तरीका एलिवेट होता है, डेट विल बी कवरिंग इन अवर सेकेंड पार्ट। थैंक यू।